हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद है कि घर पर सब लोग अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि क्लास 11 का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है बच्चों, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है ना। तो जितना हो सके टाइम जो है कम वेस्ट कीजिए आप लोग, ओके। और हम भी यहाँ पर जो है अपना टॉपिक जल्दी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो हमारा फाइलम पॉलीफेरा था उसको ए टू जेड हमने कम्प्लीटली समझ लिया, उसके एनिमल्स कैसे होंगे, एनिमल्स के क्या कैरेक्टर्स होंगे, उनमें कैनल सिस्टम होगा है कि नहीं, और उनका क्लासिफिकेशन भी हमने कर लिया था। तो आज जो है एनिमल किंगडम का हमको दूसरा फाइलम पढ़ना है। तो पता होगा आप लोगों को दूसरा फाइलम कौन सा है, डेट इज़ द सिलेंट्रेटा, या फिर जिनको हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। तो चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से बैठ जाइए, ओके। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग फाइलम सिलेंट्रेटा। या फिर इनको हम लोग क्या कहते हैं, निडेरिया, ओके। सो टुडे आवर फाइलम इज सिलेंट्रेटा और निडेरिया, ठीक है ना। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था, इसके पहले वाले फाइलम पॉरीफेरा को क्यों कह रहे थे पॉरीफेरा, क्योंकि उनके बॉडी में पोर था, दे आर योर पोर बेयरिंग एनिमल्स, है कि नहीं। तो उसी तरह से ये जो वर्ड है सीलोम, सीलोम का मतलब तो पता है कि क्या होता है, कैविटी, है ना। तो यहाँ पर जो ये सीलोम आया है वर्ड, या फिर सिलेंट्रेटा का जो सीलोम जो वर्ड आपको पहले दिख रहा है, इसका मतलब होता है कैविटी। इनके बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सिलेंट्रोन, ओके। दिस कैविटी इज ऑल्सो नोन एज योर सिलेंट्रोन, चलो सिलेंट्रोन को दोबारा लिखते हैं। या फिर इस कैविटी को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, देखो जहां पर भी आपको जो वर्ड गैस्ट्रो देखने को मिल जाए, इसका मतलब होता है आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, डाइजेशन। जहां पर भी आपको वर्ड क्या देखने को मिल जाए, गैस्ट्रो, दिमाग में वर्ड तुरंत ले आना डाइजेशन, ये कहीं ना कहीं डाइजेशन से आपका क्या है, रिलेटेड है। मतलब कि ये जो सिलेंट्रोन है इसी को हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह रहे हैं, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीज नहीं है, सेम चीज मीनिंग कर रहा है, कहीं पर सिलेंट्रोन देखने को मिल जाएगा, कहीं पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ये जो एनिमल्स होते हैं सिलेंट्रेटा में, इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी मिलेगा जिसमें आपका क्या होगा, डाइजेशन होगा। समझ में आ रहा है आपको, ओके। और इनका जो दूसरा नाम है निडेरिया, ये निडेरिया दूसरा नाम इनका क्यों पड़ा, क्योंकि इनके बॉडी में एक स्पेशल सेल होता है जिसको कहते हैं सिंडोब्लास्ट या फिर सिंडोसाइट, या फिर हम अगर नॉर्मली कहें स्टिंगिंग सेल, ठीक है ना। तो ये सिंडोसाइट हो गया आपका, फिर स्टिंगिंग सेल क्या होता है, ये जो सेल होता है इस एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट होता है। स्टिंगिंग मतलब स्टिंग करना, जैसे मधुमक्खी हमको क्या करता है, स्टिंग कर देता है ना, अपना जो नुकीला सा जो उसका क्या होता है, निडल होता है एब्डोमेन के नीचे, उससे क्या करता है, स्टिंग कर देता है। उसी तरह से इन एनिमल्स में एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसके बारे में बात करेंगे, जो इस एनिमल के सरफेस में प्रेजेंट होता है, और उस सेल के हेल्प से ये क्या करता है, दूसरे एनिमल को अटैक कर देता है, या फिर दूसरे एनिमल से बचता है ये, ठीक है ना, या फिर लोकोमोशन में भी हेल्प करता है ये सेल उसको। तो आगे आगे हम सीखते जाएंगे। तो मैंने जस्ट बोला कि ये जो फाइलम है, इस फाइलम को सिलेंट्रेटा क्यों कह रहे हैं या फिर निडेरिया क्यों कह रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम, मतलब कि इस फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स में क्या क्या कैरेक्टर होंगे वो सीखते हैं अभी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। कौन सा फाइलम है अपना, निडेरिया लिख देते हैं, ठीक है ना, ओके। तो कौन कौन से इनके कैरेक्टर्स होंगे अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। बच्चों मैं आपको एकदम इजीली समझा दूंगा, हर चीज को बहुत ज्यादा इजीली समझा दूंगा, ठीक है ना। और मैं उस लेवल तक लेके जाऊंगा नॉलेज को जहां से हमारा नीट और एम्स जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। खाली आपको समझना है धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले अगर हैबिटेट के बारे में बात करें, एनिमल हमको मिलेंगे कहाँ,
तो बच्चों इनका जो हैबिटेट होता है ये पानी में रहने वाले एनिमल्स है, ठीक है। और जिस तरह से पॉरीफेरा आपको मैक्सिमम मैराइन वाटर में मिल रहे थे, ये भी आपको मैक्सिमम जो है मैराइन वाटर में मिलेंगे, ठीक है ना। सो दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मैराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले का मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले का एग्जांपल हो गया हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में तो सुना होगा ना बच्चों। हाइड्रा के पीछे एक और टर्म लगता है, पीछे नहीं लगता एक्चुअली, एक टर्म है अगर आप लोगों ने सुना होगा, ऐसी मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर, ठीक है ना। बायो मतलब आया है वर्ड बायोलॉजी से, लिविंग। बायो का मतलब मेनली होता है लिविंग। एक जीता जाता इंडिकेटर, ठीक है ना। अब ये जीता जाता इंडिकेटर क्या होता है भाई, आप लोग कभी किसी बाइक के पीछे, कभी किसी गाड़ी के पीछे गए होंगे ना, तो देखते होंगे वो राइट साइड का इंडिकेटर जला देता है। हमको पता चलता है हाँ वो राइट साइड को मुड़ेगा, है ना। वो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जला देता है, हमको लगता है हाँ वो लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, है कि नहीं। तो सेंसिबल लोग ऐसे करते हैं, बेवकूफ तो विदाउट इंडिकेटर इधर उधर घुस जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो सब बातें छोड़ो अभी। बायो इंडिकेटर मतलब देखो, बायो होता है लिविंग, यहाँ पर लिविंग क्या है हाइड्रा, और ये इंडिकेटर है किस चीज को इंडिकेटर कर रहा है, मतलब कि जो हाइड्रा होता है कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में। अगर आपको किसी वाटर बॉडी में, किसी तालाब में, किसी पॉन्ड में, किसी नदी में अगर आपको हाइड्रा मिल रहा है, मतलब आप कह सकते हो हाँ ये वाटर जो है फ्रेश है, इस वाटर में पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर कोई वाटर बॉडी है जहां पर आपको हाइड्रा वगैरह नहीं मिल रहा है, या फिर जहां पर पॉल्यूशन है जिस वाटर बॉडी में, वहां पे लेकिन आपको हाइड्रा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बायो इंडिकेटर हो गया, मतलब ये हमको बता रहा है कि वो वाटर बॉडी जो है पॉल्यूटेड है, या फिर वो वाटर बॉडी जो है आपका फ्रेश है, ऐसे ही बताया मैंने आपको, ठीक है ना। तो हम अब काम की बातें करते हैं, ओके। अब चलो ठीक है, तो मैंने बताया हैबिटेट में क्या बताया, एक्वाटिक, मोस्ट मोस्टली मराइन एंड फ्यू आर योर फ्रेश वाटर, जैसे कि एग्जांपल हमने डाला हाइड्रा का। अब ये जो क्या होते हैं ना, ये सॉलिटरी भी होते हैं या फिर कॉलोनियल भी होते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल क्या होते हैं, सॉलिटरी मतलब जो अकेले रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको कहते हैं सॉलिटरी। तो बहुत सारे आपके क्या होते हैं, सिलेंट्रेटा ऐसे होते हैं जो आपके अकेले रहते हैं, उनको सॉलिटरी कहते हैं, ओके। और बहुत सारे सिलेंट्रा ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ग्रुप बना लेंगे और इकट्ठा रहते हैं, तो उनको कहते हैं कॉलोनियल, ठीक है ना। मेरे ख्याल से हमें क्लियर हो गया। तो कुछ सिलेंट्रेटा आपको सॉलिटरी मिल जाएंगे और कुछ सिलेंट्रेटा आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर कॉलोनियल मिल जाएंगे। तो ये हो गया इनके हैबिटेट और हैबिट के बारे में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो इनमें आप सेल से टिश्यू बनना स्टार्ट होगा बच्चों। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। बॉडी सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें, तो ऑब्वियसली बॉडी सिमेट्री हमने डिस्कस किया था, इनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। अगर हम इनमें अगर हम लोग जर्म लेयर के बारे में बात करें, जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे, अगर हम लोग इनमें नंबर ऑफ जर्म लेयर के बारे में बात करें, ये आंसर तो देख सकते हो आप लोग, नंबर ऑफ जर्म लेयर, ये लोग क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है ना। अगर हम इनमें बात करें कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होगा इनमें, अगर रेस्पिरेशन की बात करें एंड एक्सक्रीशन, ये होता है इनके जनरल बॉडी सरफेस से। मान लो ये एक एनिमल है, तो इसका जो बॉडी का सरफेस है, यहीं से ही ये वेस्ट मटेरियल को बाहर छोड़ देगा पानी में, ठीक है ना। और यहीं से ही वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन वगैरह है अपने बॉडी के अंदर लेगा आपका,
ठीक है ना। तो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, और वो कैसे एक्सचेंज करेगा, डिफ्यूजन, ठीक है ना, मतलब पानी में जो भी ऑक्सीजन वगैरह है वो डिफ्यूज होकर उसके बॉडी के अंदर जाएगा आपका, ओके, और बॉडी के अंदर जो वेस्ट वगैरह है वो भी डिफ्यूज होकर बाहर पानी में आ जाएगा। सो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, डिफ्यूजन बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है ना, डिफ्यूजन के थ्रू होता है जनरल बॉडी सरफेस। डिफ्यूजन वर्ड का मीनिंग तो आप लोगों को पता है, ये क्लास 9th और 10th में ये वर्ड जो बहुत मिला है आप लोगों को, जैसे डिफ्यूजन वर्ड, ऑस्मोसिस, ये सारा वर्ड आपको मिला है 9th 10th में, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता है, ओके। तो यहां पर हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात किया इसके, तो ये सारा तो सारा ईजी था जो मैंने आपको समझाया। अब हम लोग जैसे कि हमने पॉरीफेरा में डिस्कस किया था उसके बॉडी वॉल के बारे में, ठीक है ना, बॉडी वॉल में जैसे कि पॉरीफेरा में हमको तीन वॉल, तीन लेयर देखने को मिल रहे थे बॉडी में, तो उसी तरह से अब हम डिस्कस करेंगे किसका, सीलेंटेटा के बॉडी वॉल के बारे में, ठीक है ना, ओके, लेट्स डिस्कस। तो देखते हैं बॉडी वॉल में हमको किस तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक तो होता है बॉडी वॉल, एक होता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान अभी आपका स्टार्ट हो गया है, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान जो इनका होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। अब मैं एक आपके, आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर एक सीलेंटेटा ड्रॉ कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, सीलेंटेटा, और हम लोग हाइड्रा ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो यहां पे ओवरलैप हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना, ये मैंने एक्चुअली टेंटेकल्स ड्रॉ किया, दीज आर द टेंटेकल्स, ठीक है, ये क्या है इसका माउथ, दिस इज द माउथ, ओके, और ये क्या है इसका पूरा का पूरा बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है, ठीक है ना। तो बॉडी वॉल भी मैं यहां पर लिख देता हूं, दोनों चीजें मैं एक साथ समझा दूंगा, यहां पर बॉडी वॉल, तो बॉडी वॉल में भी आपको इसके कितने लेयर्स देखने को मिलेंगे, थ्री लेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो बाहर वाला लेयर होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, ये जो आउटर मोस्ट नजर आ रहा है दिस इज द एपिडर्मिस, ठीक है, ये जो इनर वाला नजर आ रहा है ये है गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है ना, और बीच में आपको एक जेलेटिनस, एक जेली जैसा आपको लेयर देखने को मिलेगा यहां पर, जिसको हम लोग मेसोगिलिया कहेंगे, इन दोनों के बीच में हेयर, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज योर मेसोगिलिया, लेबलिंग कर देंगे, ये मेसोगिलिया फिर से जो है नॉन सेलुलर होता है, ये है आउटर मोस्ट, ये है आपका इनर मोस्ट, ये है मिडल, जो आपका क्या होता है ऑल्सो इट इज योर नॉन सेलुलर, ओके। देखो अब ये मैंने हाइड्रा ड्रॉ किया है, अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हम उन एनिमल्स को कहते हैं, या फिर उन एनिमल्स में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान्स को कहेंगे जिनका एक ही ओपनिंग होता है बॉडी में,
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम याद आ रहा है आपको? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, एक ही ओपनिंग था, उसी ओपनिंग से ही फूड अंदर आ रहा था, उसी ओपनिंग से ही फूड एनिमल के बाहर जा रहा था, है ना। तो यहाँ पर एक ही ओपनिंग है, ये टेंटेकल्स फूड को पकड़ेंगे, टेंटेकल्स क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, थोड़ा टेंटेकल्स को मैं डार्क ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो टेंटेकल्स है यही फूड को पकड़ने वाले हैं, यही फूड को कैप्चर करेंगे। कैसे कैप्चर करेंगे मैं आपको बताऊंगा, और यही फूड को कैप्चर करके कहाँ पर लेके आएंगे, माउथ में लेके आएंगे, और माउथ में चला जाएगा वो फूड, ठीक है ना। अब देखो ये जो वर्ड है सैक, सैक हम किसको कहते हैं, सैक का मतलब होता है पाउच, एक पोटली, जिसको हम लोग सैक कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हमारा जो पॉकेट होता है, जैसे कि हमारे शर्ट वगैरह में जो पॉकेट होता है, पॉकेट में क्या होता है, वो एक सैक की तरह ही स्ट्रक्चर है ना, अंदर की तरफ तो और कुछ नहीं है, है कि नहीं। तो वहीं से ही आपको पॉकेट में डालना पड़ेगा, वहीं से ही आपको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एक स्मॉल पाउच, ये भी एक पाउच जैसा ही है, इसके यहाँ तो और कुछ नहीं है इस साइड, है ना, ब्लाइंड एंड है आपका, एंड है ये, एंड हो गया यहाँ पे, इस साइड कुछ नहीं है। तो ऐसे बॉडी प्लान को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहीं से ही माउथ है, यहीं पर फूड आ रहा है, फूड डाइजेशन होने के बाद यहीं से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो और इसी कैविटी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सिलेंट्रॉन कह रहे हैं, या फिर इसी कैविटी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कह रहे हैं। तो दिस कैविटी इज ऑल्सो नोन एज योर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इस कैविटी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसी कैविटी के अंदर जो है फूड का डाइजेशन होने वाला है। मैंने कहा था ना, जहां पर वर्ड आपको गैस्ट्रो नजर आए मतलब डाइजेशन। तो ये थोड़ा सा एडवांस एनिमल हो गया कि नहीं पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा का तो कैविटी क्या था, जो बॉडी में जो कैविटी था वो तो खाली जगह था, खाली पानी आ रहा है जा रहा है वहां पे, और तो कुछ नहीं हो रहा है। इनका क्या है, क्लोज्ड कैविटी है, जिसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कह रहे हैं, और इसके अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो पहली बार किसके अंदर होना स्टार्ट हुआ, ये जो है सिलेंटेटा में होना ऐसा स्टार्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो जहां पे इस तरफ और कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ओपनिंग नहीं होगा, ओनली वन ओपनिंग, यहाँ ब्लाइंड एंड है। अब बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बॉडी वॉल में ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया कि तीन लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो आउटर मोस्ट होता है एपिडर्मिस, जो इनर मोस्ट होता है गैस्ट्रोडर्मिस, और जो बीच में आपको मिल रहा है डेट इज द मेसोगीलिया, ओके। अब देखिए बच्चों, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, इस आउटर मोस्ट लेयर में आपको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे, यू विल बी एबल टू सी सर्टेन सेल्स, और ये अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर सेल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जो आपका इनर मोस्ट लेयर है डेट इज द गैस्ट्रोडर्मिस, यहां पर भी आपको कुछ सेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से सेल देखने को मिलेंगे मैं सारा जो है आपको इकट्ठे बोल दूंगा, ठीक है ना। वो इस साइड भी होगा आपका लाइक दिस, तो ये पूरा का पूरा होगा, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया, ऐसा नहीं भाई सर ने यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहीं पे ही होगा, नहीं, पूरे इनर लेयर में होगा और पूरे आउटर लेयर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना बच्चों, इस तरह से। तो पूरे आउटर लेयर में आपको देखने को मिलेगा और पूरे इनर लेयर में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से सेल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सेल्स, तो पहले तरह का सेल देखने को मिलेगा डेट इज द एपिथेलियो मस्कुलर सेल, देन एंडोथेलियो मस्कुलर सेल। पहला वाला मिलेगा एपिथेलियो, मस्कुलर सेल, दूसरा मिलेगा एंडोथेलियो मस्कुलर सेल। एपिथेलियो मस्कुलर सेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बाहर वाले लेयर में मिलेगा या फिर बाहर वाले वॉल में मिलेगा। एंडोथेलियो मस्कुलर सेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इनर वाले मिलेगा, एंडो मतलब अंदर, इनर वाले लेयर में मिलेगा आपका, ठीक है ना। इन दोनों सेल का क्या फंक्शन होता है, ये दोनों जो सेल है कहीं ना कहीं इसके बॉडी के कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। ये अगर एनिमल का बॉडी है तो उसको थोड़ा बहुत जो है कॉन्ट्रेक्शन करने में आपका हेल्प करेंगे, ठीक है ना, ओके। सेकेंड तरह के जो सेल, देखो ज्यादा इन सेल के बारे में ज्यादा आप लोग ये मत कीजिए, ठीक है ना, इतना ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए सेल्स के बारे में, ठीक है। मैं जो सेल बताऊंगा, एक दो सेल बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जैसे कि निडेरिया सिंडोब्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, इस सेल के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था ना पॉरीफेरा के बॉडी वॉल में आर्कियोसाइट्स जो था वो इंपॉर्टेंट सेल है,
तो सारे इंपॉर्टेंट सेल मैं बताता जाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, है कि नहीं? ओके, और कोई टेंशन में है तो कमेंट मारिए, कमेंट मार के बताओ कि सर हम टेंशन में है, ठीक है ना? ओके, सेकेंड तरह का जो सेल बच्चों यहां पर मिलने वाला है वो होगा ग्लैंड सेल, ठीक है ना? अब ये ग्लैंड सेल क्या करेगा, इट सेक्रेट्स, सेक्रेट्स का मतलब भी मेरे को कोई बच्चा पूछ रहा है, सेक्रेट का मतलब होता है रिलीज करना। जैसे कि एक सेल है, इसने कुछ बनाया अपने अंदर और इसको जब ये बाहर रिलीज कर देगा तो उसको कहते हैं सेक्रेट करना या फिर रिलीज करना, ठीक है ना? सो दिस ग्लैंड सेल इट विल बी सेक्रेटिंग एंजाइम्स, ये क्या करेगा, ग्लैंड सेल सेक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंटू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। मतलब कि ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है ना? ओके, अब एंजाइम क्या होता है, क्लास 9 और 10th में आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना? एंजाइम जैसे कि ह्यूमन के स्टमक में आपको एंजाइम मिलता है, पेप्सिन, रेनिन, वो सब क्या करता है, हजम होने में हेल्प करता है कि नहीं? तो उसी तरह से ये जो फूड को खाएगा, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में मान लो ये फूड आ गया, ठीक है ना, तो ये सारे एंजाइम क्या करेंगे, इस फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करेंगे आपका। समझ पा रहे हो बात को? ओके, सो ग्लैंड सेल्स विल बी सेक्रेटिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम। कितने सेल पड़े, एपिथेलियो मस्कुलर सेल, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल एंड ग्लैंड सेल। ओके, ग्लैंड सेल क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर रहा है। अब डाइजेशन के ऊपर कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिलेंट्रेटा है उनमें डाइजेशन कैसा होता है। तो हमने देखा था पोरीफेरा में जो डाइजेशन था वो खाली हमको इंट्रासेलुलर नजर आ रहा था, लेकिन इनमें क्या ये सेल के अंदर हो रहा है क्या डाइजेशन, कहाँ हो रहा है, इस बॉडी कैविटी में हो रहा है, इस खाली जगह में हो रहा है, आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो रहा है, सेल के अंदर तो नहीं हो रहा है ना? तो यहाँ पर इनका क्या होगा, डाइजेशन। अब एक और बात, लेकिन सेल के अंदर भी होगा, ठीक है ना? सो डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ये क्वेश्चन है, लेकिन एक दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन, ठीक है ना? तो इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। कैसे होता है आप, मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पर जो ये फूड आया था इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, यहां पर एंजाइम का यूज करके इस फूड का पूरा डाइजेशन नहीं होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा, आधा आधी डाइजेशन होगा खाली, ठीक है ना? फिर इस फूड को यहीं पर ही जो सेल्स होंगे, यहीं पर ही जो सेल्स होंगे, उन सेल्स के अंदर ये जो आधा, जो आधा डाइजेस्टेड जो फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल के अंदर फिर इसका क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा, क्योंकि ये उतने भी ज़्यादा डेवलप एनिमल नहीं है, पोरीफेरा से खाली थोड़ा सा ही डेवलप्ड है। तो इनके अंदर पूरा का पूरा जो एकदम प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है बच्चों, इनमें जो डाइजेशन हो रहा है वो दोनों तरफ होगा, या पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होगा फिर इंट्रा सेलुलर होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आप लोगों का, ये है ना? अगले तरह के अगर सेल के बारे में बात करें तो अगले तरह का जो सेल होगा वो होगा बेसल सेल। बेसल सेल याद कीजिए, हमने एक सेल पढ़ा था पोरीफेरा में, ग्लैंड सेल, वो क्या कर रहा था, स्लाइमी स्टिकी चिपचिपा एक सब्सटेंस रिलीज कर रहा था जो पोरीफेरा को चिपकने में हेल्प कर रहा था सबस्ट्रेटम के साथ। यहाँ पर जो सिलेंट्रेटा है ना, वो कुछ कुछ फ्री स्विमिंग है, कुछ सिलेंट्रेटा फ्रीली घूमते रहेंगे, मेनली जो सॉलिटरी वाले होते हैं, और कुछ सिलेंट्रेटा ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज में जो होते हैं वो एक जगह पर चिपके हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं एक जगह पर। तो उनमें आपका क्या होगा, ये जो बेसल सेल है वो ऐसा उस तरह का स्लाइमी सब्सटेंस ये आपका रिलीज करने वाला है जो इनको एक जगह पर चिपके रहने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है बच्चों? अगले तरह का सेल मैं आपको बताता हूं, और अगले तरह का जो सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? ये जो सेल है ये पहली बार इस फाइलम में आपका क्या हुआ, डेवलप हुआ है, ठीक है ना? नर्व सेल। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सिलेंट्रेटा वी विल बी एबल टू सी द नर्व सेल। क्वेश्चन आपको मिलेगा, नर्व सेल पहली बार कौन से फाइलम में मिलना स्टार्ट हुआ है, फिर कौन से फाइलम में डेवलप हुआ है, या फिर नर्व सेल कौन से फाइलम से मिलना स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट टाइम इन सिलेंट्रेटास। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी एबल टू सी द नर्व सेल इन सिलेंट्रेटा। लेकिन
सिलेंटेटा में ये जो नर्व सेल है ये कोई भी सिस्टम नहीं बनाता है, कोई भी नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं बनाता है, ठीक है ना। ये नर्व सेल खाली एक नर्व का नेटवर्क बना देगा। मान लो ये नर्व सेल है तो ये नर्व सेल जो है एक नर्व का खाली आपका एक नेटवर्क बनाएंगे खाली, बस कोई भी सिस्टम नहीं बनेगा। जैसे कि नर्व से ब्रेन नहीं बन रहा है, इनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, खाली एक नर्व का नेट, एक नर्व का खाली नेटवर्क बनेगा खाली आपका, ठीक है ना, बस डेट्स इट। ओके, मतलब यहां से कहीं ना कहीं अब आगे के फाइलम में आपको देखने को मिलेगा कि जो नर्व से आपका कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, गैंग्लियन वगैरह बनेंगे, फिर नर्व फाइबर बनेगा, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम, सारा आपका देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर ओनली फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ नर्व, ओनली फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ नर्व, बस नर्व का एक नेटवर्क ये बनाएगा खाली, डेट्स इट। ओके, बस और कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं बनेगा, बस नर्व सेल इनमें बस डेवलप होना स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट तरह का सेल कौन सा मिलने वाला है, नेक्स्ट तरह का जो यहां पर सेल मिलने वाला है दैट इज द इंटरस्टीशियल सेल। इंटरस्टीशियल सेल क्या है आपका, इंटरस्टीशियल सेल जैसे कि इंटरस्टीशियल सेल, ओके, तो इंटरस्टीशियल सेल क्या है, सेम सेल याद कीजिए जो हमको पॉरिफेरा में देखने को मिल रहा था, आर्कियोसाइट्स। पॉरिफेरा में आर्कियोसाइट्स क्या थे, टोटिपोटेंट सेल थे, है ना, सिंपली दे आर योर टोटिपोटेंट सेल, ठीक है ना। टोटिपोटेंट सेल मतलब ये सेल जरूरत आने पर किसी भी दूसरे सेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। मान लो यहां पर कुछ जो है नर्व सेल खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो ये सेल खुद को नर्व सेल में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर एपिथेलियो मस्कुलर सेल में खुद को कन्वर्ट कर सकता है, तो जरूरत आने पर ये को किसी भी सेल में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना। और पॉरिफेरा से जो आपका सिलेंटेटा है इनका रीजनरेशन कैपेसिटी और ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस इंटरस्टीशियल सेल्स। ओके, अब अगले तरह का जो सेल है बच्चों उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जिसके कारण इस फाइलम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है आपका, डेट इज द सिंडोसाइट या फिर नीडोसाइट, सी साइलेंट होता है, या फिर स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सेल, ध्यान दीजिए अभी। ओके, इस सेल के बारे में, ये सेल मिलेगा पहले कहां ये बता देता हूं। ये जो सेल है ये टेंटेकल्स में बहुत ज्यादा मिलता है, टेंटेकल्स में ये इस तरह से ग्रुप में रहेगा आपका, लाइक दिस टेंटेकल्स में मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। तो दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स इन द टेंटेकल्स, ग्रुप्स ऑन टेंटेकल्स, ठीक है। और ये टेंटेकल्स में आपका क्या होगा, मतलब इन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फंक्शन क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो सेल होता है बच्चों ये इस तरह से ओवल शेप सेल होता है, ओवल। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो आपको साइड में मिलेगा, पेरिफेरी में मिलेगा, मतलब पेरिफेरल रीजन में मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह से। इस सेल के ऊपर ऊपर की तरफ एक कैप आपको देखने को मिलेगा, यू एबल टू सी अ कैप, बड़ा ड्रॉ कर देते हैं, एक कैप देखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अपर कुलम। यहां पर एक सेंसरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, विल बी एबल टू सी अ सेंसरी स्ट्रक्चर हियर, और इस सेंसरी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नीडोसील, दिस इज सेंसरी। क्या फंक्शन होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीडोसील कहते हैं। अब देखो बच्चों यहां पर आपको एक कैविटी देखने को मिलेगा, एक सैक देखने को मिलेगा, इस तरह से कैविटी देखने को मिलेगा,
और इस कैविटी का नाम होता है नीमाटोसिस्ट। ये कैविटी है, ये कैविटी है, दिस इज द कैविटी। हाँ, तो इसको कहेंगे नीमाटोसिस्ट। दिस कैविटी इज नोन एज नीमाटोसिस्ट। ये जो कैविटी है इसको नीमाटोसिस्ट कहेंगे। और यहां पर सेल का क्या मिलेगा? ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म मिलेगा, दिस इज अ न्यूक्लियस। ये हो गया, यहां पर मिलेगा साइटोप्लाज्म। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, यहां पर आपको एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे लैसो, ठीक है ना। और यहां पर कुछ रॉड जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे जिनको कहते हैं रिफ्रैक्टाइल रॉड। कुछ सपोर्टिंग रॉड भी मिलेंगे, ज्यादा डिटेल में हम इसके नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको वही बताऊंगा खाली, ठीक है ना। अब देखो, यहां पर आपको एक सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम शाफ्ट भी कहते हैं, इस तरह से, नॉट सिलिंड्रिकल, इन्वर्टेड फनल शेप, फनल शेप जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट। और इसी शाफ्ट के नीचे एक थ्रेड होता है, एक हॉलो थ्रेड होता है, ठीक है ना। थ्रेड मतलब इंजेक्शन, तो सबको लगा होगा शायद मेरे ख्याल से, है कि नहीं। इंजेक्शन का जो नीडल होता है वो पतला होता है ना, अंदर क्या होता है उसके, हॉलो होता है जहां से मेडिसिन जाता है ना, उसी तरह से यहां पर एक आपको थ्रेड मिलेगा लाइक दिस। और ये जो थ्रेड होगा ऐसा होगा, और ये थ्रेड इसी में लिपटा हुआ होगा आपका, इसी में ही जो थ्रेड है आपका वो लिपटा हुआ होगा इस तरह से। थ्रेड किस में लिपटा हुआ होगा? शाफ्ट में लिपटा हुआ होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द थ्रेड, ये क्या होता है? हॉलो होता है, हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ये हमने कौन से सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया? सिंडोसाइट या फिर स्टिंगिंग सेल का हमने स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ किया बच्चों, ठीक है ना। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है टेंटेकल्स में, ओके। ये एक ओवल शेप सेल होता है जिसके ऊपर एक कैप होता है, मतलब एक ढक्कन होता है आपका, जिसको हम ऑपरकुलम कहते हैं। यहां पर एक सेंसरी स्ट्रक्चर है नीडोसील, और इसके अंदर एक हमको एक क्या मिलेगा, एक कैविटी देखने को मिलेगा, एक पाउच जैसा कैविटी जिसको कहते हैं नीमाटोसिस्ट। न्यूक्लियस पेरिफेरी में आ जाता है क्योंकि इस नीमाटोसिस्ट के लिए जगह बनानी पड़ती है सेल के अंदर। ये है साइटोप्लाज्म, और कुछ लैसो जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, स्प्रिंग जैसा काम करते हैं, दिस इज द रिफ्लेक्टाइल रॉड, इस तरह से रॉड जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इस सेल का यूज कब होता है, इस सेल का यूज कब होगा, ठीक है ना। थोड़ा मिटा दिया जाए, इसको मिटाते हैं थोड़ा। देखो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब ये जो एनिमल है, इसका ऊपर वाला पोर्शन अभी रखा है मैंने, ठीक है ना। ये जो एनिमल है इस सेल को यूज करता है खुद को बचाने के लिए, या फिर दूसरे किसी को अटैक कर देने के लिए, जब इसको खाना चाहिए होता है, ठीक है ना। तो जब खाना आता है यहां पर, जब फूड आएगा, सेल को ड्रॉ करते हैं दोबारा। ये ओवल शेप सेल है, यहां पर आपको ये कैविटी भी देखने को मिल रहा है, यहां पर ऑपरकुलम है। ये इसका सेंसरी स्ट्रक्चर जो मैंने कहा था यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर लैसो, और ये सारे रिफ्रैक्टाइल रॉड, ठीक है ना, ओके। अब देखो, जब फूड, कोई भी स्मॉल एनिमल जब इसके पास आता है आपका, ठीक है ना, ओके, ये कहां पे है सेल? ये सेल यहां पर है, टेंटेकल में है, इस पोजीशन में ये आपको सेल मिलेगा, ठीक है ना। अब जब ये टेंटेकल फूड के पास जाता है, सेंसरी स्ट्रक्चर सेंस कर लेता है, और जैसे ही सेंस कर लेगा, खपाक करके ये जो ऑपरकुलम है इस साइड खुल जाता है आपका, कैप खुल जाता है, और फिर क्या होगा, ये अंदर का जो शाफ्ट है ये बाहर आ जाएगा। अंदर का शाफ्ट क्या होगा, यहां पर अंदर का शाफ्ट इस तरह से बाहर आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है ना। शाफ्ट ऐसे बाहर आ गया, और इससे जो लिपटा हुआ था ये जो थ्रेड है वो आपका क्या होगा, जैसे कि मान लो ये फूड है, फूड मतलब कोई भी स्मॉल एनिमल, ठीक है, कोई भी स्मॉल एनिमल, और ये जो आपका जो थ्रेड है ये जाके एकदम इसके अंदर घुस जाएगा, जाके एकदम स्पीड में जाके इसके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि इसका सामने वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, शार्प होता है, घुस गया,
अब क्या होगा इससे, ये जो नीमाटोसिस्ट कहा था ना मैंने, नीमाटोसिस्ट, इसके अंदर पॉइजन भरा होता है, जहर, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइजन भरा है। अब जब ये ऐसा हो जाएगा तो पॉइजन यहाँ से नीमाटोसिस्ट से कहाँ चला जाएगा, इस एनिमल के बॉडी में चला जाएगा जो इसका फूड था, और फूड क्या हो जाएगा वहां पर, बेहोश हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पॉइजन प्रेजेंट होता है, फिर जो टॉक्सिन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हाइप्नोटॉक्सिन। और ये हाइप्नोटॉक्सिन क्या करता है, पैरालाइज कर देता है एनिमल को, इट कॉजेस पैरालाइसिस। अब जब ये इस फूड के अंदर चला गया, स्मॉल एनिमल के अंदर चला गया, जब इसका पैरालिसिस हो गया तो ये क्या करेगा, इसको आराम से जो है टेंटेकल्स के हेल्प से इस तरह से उसने पैरालिसिस कर दिया ना, इस तरह से उसने फूड को क्या कर दिया, यहाँ पर फूड था उसको उसको पैरालिसिस कर दिया इसने। अब इसको आराम से लेके कहाँ पर चला जाएगा, इसको माउथ के अंदर, बस पार्टी शुरू, खाना खाना स्टार्ट, है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से जो है, इसलिए इसने स्टिंग कर दिया ना बच्चों फूड को, इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं इसको, निडेरिया कह रहे हैं या फिर स्टिंगिंग सेल कह रहे हैं हम लोग, समझ पा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट सेल है, याद रखना है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, नेमली जो है नीमाटोसिस्ट याद रखना है। पूछा जाता है नीमाटोसिस्ट के अंदर कौन सा पॉइजन होता है, हाइप्नोटॉक्सिन, और ये पैरालाइज करता है आपका, ठीक है ना, पैरालाइजिंग एजेंट है आपका ये, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है काम करता है, और एक बार ये जो सेल आपका इस तरह से खुल जाता है तो ये सेल फिर बेकार हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर ये सेल जो है इसकी जगह पर एक नया जो है सेल बनता है आपका, इसकी जगह पर एक नया कौन सा सेल बनेगा, सेम सेल बनेगा, सिंडोब्लास्ट बनेगा। आप मेरे को बताओ कौन से सेल से बनेगा, ये दिमाग लगाओ थोड़ा, ये इंटरस्टीशियल सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होकर फिर नए नए सिंडोसाइट बनाएगा वो, ठीक है ना। मतलब ये सेल वन टाइम यूज होता है खाली, उसके बाद फिर नया बनता है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो आधा आधी खत्म हो गया हमारा सिलेंट्रेटा, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, तो एकदम आराम से पढ़ते रहिए, मजेदार है ये फाइलम। नाउ सी, अगला जो आपको यहां पर टर्म मिलने वाला है वो है मेटाजेनेसिस, जो आपको सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, सिंपली देखिए, यहां पर एक सिलेंट्रेटा है, दिस इज वन सिलेंट्रेटा, दिस इज अनदर सिलेंट्रेटा, मतलब सेम सिलेंट्रेटा है दोनों। ये एक बार करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक बार करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ओके, तो एक जनरेशन मतलब इसका जो फर्स्ट जनरेशन हो गया वो करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जनरेशन करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब पहले जनरेशन ने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला जनरेशन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कौन सा फॉर्म बना दिया, सेक्सुअल। मतलब मान लो, चलो कंफ्यूज हो रहे हो क्या, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, सुनो, मेटाजेनेसिस समझा रहा हूं, समझ लीजिए, ठीक है। यहां पर एक सिलेंट्रेटा है, उसने रिप्रोडक्शन किया, कौन सा रिप्रोडक्शन किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उसके बाद एक जनरेशन आया, उसका नेक्स्ट जनरेशन आया कि नहीं रिप्रोडक्शन के बाद, लेकिन उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद एक और जनरेशन आएगा, अब जो जनरेशन आएगा वो लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। मतलब कि इनका एक जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, दूसरा जो जनरेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उसके बाद वाला जनरेशन आपका क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओके, अल्टरनेट हो रहा है, ओके, तो मेटाजेनेसिस इज योर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन
अल्टरनेशन मतलब एक के बाद एक, अल्टरनेशन मतलब 1 2 1 2 1 2 कुछ भी हो सकता है, या फिर 1 0 1 अल्टरनेट हो रहा है ना, 1 के बाद 0 0 के बाद 1 फिर 1 के बाद 0 है ना। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब इनका एक जनरेशन एसेक्सुअल हो रहा है, दूसरा जनरेशन सेक्सुअल हो रहा है, फिर दूसरा तीसरा जनरेशन एसेक्सुअल हो रहा है, फिर चौथा जनरेशन क्या हो रहा है, सेक्सुअल हो रहा है ना। तो अल्टरनेट हो रहा है ना जनरेशन बच्चों के। सो वन जनरेशन इज एसेक्सुअल एंड अनदर इज सेक्सुअल, वेयर वन जनरेशन इज एसेक्सुअल वेयर एज अदर जनरेशन इज सेक्सुअल, ठीक है ना। लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखना है, यहां पर सारे के सारे सिलेंट्रेटा जो है मेटाजेनेसिस शो नहीं करते हैं, नॉट ऑल सिलेंट्रेटा दे शो मेटाजेनेसिस, ठीक है ना। कुछ शो करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ओबिलिया, ये इनमें एक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ये शो करते हैं, नेचुरली शो करते हैं आपका, ठीक है ना, ओके। तो लेकिन सारे के सारे शो नहीं करते, कुछ ही जो होंगे सिलेंट्रेटा वो शो करते हैं आपका क्या, मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस समझ गए, एक जनरेशन इनका क्या होगा, एसेक्सुअल, उसके बाद वाला जनरेशन क्या होगा, सेक्सुअल, ठीक है ना। अब देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वालों का थोड़ा सा बॉडी फॉर्म अलग होता है, हर जनरेशन के साथ इनका बॉडी फॉर्म भी चेंज होता है, मतलब ठीक है ना। कैसे, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है ना। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनका जो बॉडी फॉर्म होता है वो होता है पॉलिफ, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनका बॉडी फॉर्म होता है मेड्यूसा। ठीक है ना। लेकिन एक बात, अब ऐसा नहीं है कि जो पॉलिफ है वो सारे के सारे मेटाजेनेसिस शो करेंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बात को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। और जो मेड्यूसा होते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है आपका क्या करेंगे, मेटाजेनेसिस शो करेंगे। मतलब कि मैं बोलना चाहता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वालों का बॉडी फॉर्म क्या होगा, मेड्यूसा होगा। तो जितने भी मेड्यूसा होंगे वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे, लेकिन जितने भी मेड्यूसा होंगे वो जरूरी नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, उनमें से कुछ ही मेड्यूसा होंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब कि मेटाजेनेसिस शो करेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर है ये पॉइंट, समझ गए। अब तो ये एक और बॉडी फॉर्म हो गया। तो पॉलीफॉले कैसे होते हैं, पॉलीफॉले जो होते हैं आपके, पहली बात तो ये दे डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ज्यादातर क्या करते हैं, बर्डिंग, मैक्सिमम बर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। और यहां पर दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपके बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा आपका, ठीक है ना, ओके। अभी जो पॉलीफॉले होते हैं इनका जो बॉडी शेप होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, इस तरह से आपको जो है इनका बॉडी फॉर्म देखने को मिलेगा, देयर बॉडी फॉर्म इज सिलिंड्रिकल, ऐसे होता है, ठीक है ना। सिलिंड्रिकल लो कौन सा था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना एग्जांपल हाइड्रा, इस तरह से है ना। तो दे हैव सिलिंड्रिकल बॉडी फॉर्म, सिलिंड्रिकल बॉडी शेप, ठीक है ना। और जो मेड्यूसा वाले होते हैं इनका जो बॉडी होता है वो अम्ब्रेला शेप होता है, इस तरह से। अम्ब्रेला शेप वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, जेलीफिश है ना, ये अम्ब्रेला शेप होता है। तो एग्जांपल होगा ऑरेलिया, ऑरेलिया जेलीफिश को ऑरेलिया कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके तो ये पॉलीफॉर मेड्यूसा का एक्चुअली मैं डिफरेंस बता रहा हूं आप लोगों को। एक और डिफरेंस आ जाता है पॉलीफ का, ये जो पॉलीफ वाले होते हैं ये होते हैं ससाइल, ससाइल मैंने कहा था जब पॉलीफेरा पढ़ाया था, मतलब कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये मेड्यूसा वाले क्या होंगे, दे आर मोटाइल, ठीक है ना।
तो मैंने आपको पहली बात यहाँ पर क्या समझाया, मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार फिर से शांति से सुन लो। मेटाजेनेसिस मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब यहाँ पर एक जनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उससे जो दूसरा जनरेशन बनेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उससे जो दूसरा रिप्रोडक्शन बनेगा वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। ओके, तो इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। कौन कर रहा है? ओविलिया। अब इनमें दो तरह का बॉडी फॉर्म होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वालों का जो बॉडी फॉर्म होता है मेड्यूसा, लेकिन कंपलसरी नहीं है जितने भी मेड्यूसा फॉर्म वाले हैं वो आपका मेटाजेनेसिस शो करेंगे, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन, ठीक है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला का बॉडी फॉर्म क्या होता है? पॉलिफ। पॉलिफ वाले कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल होते हैं, सेसाइल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, ठीक है ना। एक लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, हाइड्रा तो है पॉलीफॉर्म, और पॉलीफॉर्म मैंने बोला ससाइल, लेकिन हाइड्रा लोकोमोशन कर सकता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो जो इसमें से कुछ पॉलीफ क्या शो करेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे, मतलब कि वो क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बना देगा, मेड्यूसा फॉर्म में आ जाएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर से क्या बन जाएंगे, पॉलीफ बन जाएंगे। तो कुछ है इनमें से जो क्या करते हैं, मेटाजेनेसिस शो करते हैं, और कुछ हमेशा मेड्यूसा के फॉर्म में पाए जाएंगे, और कुछ हमेशा जो है पॉलिफ के फॉर्म में ही पाए जाएंगे। एम आई क्लियर है? ओके, तो अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन होगा, गेमेट जो बने इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, याद रखना, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहाँ? गेमेट जो है पानी में रिलीज कर दिए जाएंगे, गेमेट विल बी रिलीज इन द वाटर, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, वहीं पर ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा उसको कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चों? अब एक और बात, डेवलपमेंट की अगर बारे में बात करें तो पॉरीफेरा में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा था, इनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगा, डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि क्या मिलेगा, इनमें लार्वा देखने को मिलेगा, और इनका जो लार्वा होता है प्लेनुला लार्वा, एग्जाम्पल इज योर प्लेनुला लार्वा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, प्लेनुला लार्वा कौन से फाइलम में मिलेगा, तो आंसर होगा सिलेंट्रेटा, ठीक है ना। तो सिलेंट्रेटा के बारे में बच्चों अभी तक हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है सिलेंट्रेटा का हमको क्लासिफिकेशन करना है, और साथ साथ में देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेंगे इस फाइलम के, ठीक है ना। वो देख के फिर इसको हम लोग जो है सिलेंट्रेटा भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों, ठीक है ना। ओके, आगे डिस्कस करते हैं अभी। ओके बच्चों, क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले हमको एक और टॉपिक डिस्कस करना है यहाँ पर, उसके बाद ही क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होता है सबसे पहले जानिए, रीफ को छोड़ो कोरल, ये कोरल क्या है बहुतों को पता होगा शायद। कोरल मतलब जब भी किसी सिलेंट्रेटा में, मान लो ये अपना एक सिलेंट्रेटा है, इस सिलेंट्रेटा में अगर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट आके अगर डिपॉजिट होने लगता है तो इसके बाहर क्या बन जाएगा, एक्सोस्केलेटन बन जाएगा, है ना, मतलब बाहर एक कवच जैसा बन जाएगा, हार्ड प्लास्टर की तरह एक हार्ड कवर बन जाएगा आपका, है ना। तो जब ऐसा होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरल कहते हैं। तो कोरल कुछ और दूसरी चीज नहीं होते हैं, ये सिलेंट्रेटा ही है जिनके बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट आके डिपॉजिट हो जाता है और उनके बाहर एक कवच बन जाता है, एक हार्ड कवरिंग बन जाता है, जिसको हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो सिलेंट्रेट्स जिनमें आपका क्या होता है, सिलेंट्रेट्स शोइंग एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ऐसे सिलेंट्रेट्स जब बहुत सारे सिलेंट्रेट्स आपको कॉलोनी में देखने को मिलेंगे, एक साथ देखने को मिलेंगे, उसको कहते हैं कोरल रीफ, ठीक है ना। सो व्हेन दे फॉर्म
व्हेन दे फॉर्म लार्ज कॉलोनीज, हम इनको क्या कह रहे हैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हो इमेजेस वगैरह को कोरल रीफ के, बहुत सारे कलरफुल होते हैं ये। कलरफुल क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो है फंगी वगैरह का जो है ग्रो करना स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर ही, और ये फंगी कलरफुल होते हैं तो उसके कारण जो है कोरल रीफ भी हमको कलरफुल नजर आता है, ठीक है ना। और ये जो कोरल रीफ होते हैं ज्यादातर एक आइलैंड को आपका क्या करते हैं, घेर के रखते हैं, ठीक है ना। एक मतलब वाटर में कोई भी अगर एक बॉडी है, लैंड है, तो उसको घेर के रखेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, एक ग्रेट बैरियर रीफ, इसने किसको सराउंड करके रखा है, ऑस्ट्रेलिया को। ये ऑस्ट्रेलिया है मान लो, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को जो है क्या करके रखा है, ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया को इसने, यहां पे समुंदर होगा ना सारा, इस समुंदर में ही आपको ये देखने को मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ इस तरह से। ये बहुत कलरफुल होता है बच्चों, और ये बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए आपका हैबिटेट भी होता है आपका, ठीक है ना। तो अब जाके जो है हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो कोरल रीफ मेरे ख्याल से आपका जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, तो अब हम जो है लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं फाइलम सीलेंटेटा के, तो ध्यान दीजिए अभी आप लोग। ओके, तो बच्चों यहां पर सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम का मतलब होता है कि ऑब्वियसली ऐसे मेंबर्स जो इस फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि सीलेंटेटा फाइलम के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला वाला हो गया फाइसेलिया, जिनका जिसको कॉमनली पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है आपका, ठीक है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं जो एक हेलमेट की तरह नजर आता है, और मतलब इसका शेप ऐसा होता है। आप गूगल में आप लोग क्या है इसका फाइसेलिया आप लोग गूगल सर्च कर लेना, आपको नजर आएगा, ठीक है ना। एक जो वॉर में जाते हुए एक आदमी की तरह नजर आता है आपका ये, ठीक है ना। तो इसीलिए फाइसेलिया को पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। देन ओबिलिया सी फर, ये ओबिलिया कुछ इस तरह का फर, फर मतलब तो पता होगा ना, इस तरह का फर ही होता है, मतलब एक फर की तरह होगा सी फर, इसलिए इसको सी फर कहा जाता है आपका। मिलीपोरा स्टिंग कोरल कॉमन नेम है। मैट्रिडियम सी एनिनोम, ओके ये पूछा जाता है, लेकिन मैट्रिडियम या फिर सी एनिमोनी किसको कहा जाता है आपका, तो मैट्रिडियम, ये एक आपका पूछा जाता है, ये एक पूछा जाता है फाइसेलिया, ठीक है ना। ओके, ऑरिलिया तो जेलीफिश को कहते हैं हम लोग। गॉर्गोनिया सी फैन, गॉर्गोनिया को सी फैन क्यों कहते हैं, इसके शेप के कारण, इस तरह से ये एकदम पूरा इस तरह से आपका क्या होगा, बहुत बड़ा सा ऐसा होता है आपका गॉर्गोनिया, इसलिए हम इसको सी फैन कहते हैं, ठीक है ना। देन एल्कायोमियम, ओके ये है आपका डेड मैंस फिंगर। ओके, तो डेड मैंस फिंगर मतलब इस तरह से आपका ये नजर आता है, लाइक दिस, एक मरे हुए आदमी की उंगलियां कैसी होंगी, उस तरह से नजर आता है आपका, ठीक है ना। तो उसके हिसाब पर इन सबका जो है कॉमन नेम आपका रखा गया है। ओके, साइंटिफिक नेम आपको लेकिन यहां पर याद करना है। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए ऑफ द फाइलम सीलेंटेटा। अब देखो सीलेंटेटा के क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। तो सीलेंटेटा का जो मेनली क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, है ना। यहां पर इनका जो आपका क्लासिफिकेशन होगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिफ एंड मेड्यूसॉइड फॉर्म। कौन सा फॉर्म उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में डोमिनेट कर रहा है आपका, मतलब कौन सा फॉर्म ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो तीन क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट क्लास हाइड्रोजोआ, दूसरा क्लास साइफोजोआ और तीसरा क्लास एंथोजोआ। तो क्लास वन में हाइड्रोजोआ में जितने भी सीलेंटेटा होते हैं उनमें पॉलिफ मिलेगा आपको, नहीं तो पॉलिफ और मेड्यूसा दोनों ही देखने को मिलेगा, समझ आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये लोग जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं आपका, ठीक है ना। तो पॉलिफ तो एसेक्सुअल वाले हो गए, और यहाँ पर आइदर पॉलिफ मिल रहा है एसेक्सुअल, नहीं तो दोनों ही मिल रहे हैं पॉलिफ और मेड्यूसा वाले, मतलब कि ये मेटाजेनेसिस शो करेंगे आपका, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। फिर जैसे कि दूसरा क्लास है साइफोजोआ, तो बोथ पॉलिफ एंड मेड्यूसा आर प्रेजेंट, इनमें पॉलिफ और मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म मिलेगा, मतलब सेक्सुअल फॉर्म और एसेक्सुअल फॉर्म दोनों ही देखने को मिलेगा, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, मेड्यूसा, मेड्यूसा विल डोमिनेट ओवर पॉलिफ, मतलब कि सेक्सुअल फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलेगा इनके लाइफ स्पैन में, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल होगा ओरिलिया जेलीफिश, और यहाँ पर ये थर्ड क्लास है आपका डेट इज द एंथोजोआ, यहाँ पे खाली पॉलिफ देखने को मिलेंगे,
पॉलिफ मतलब शेप कैसा होगा इनका, सिलिंड्रिकल, और ये क्या होंगे, एसेक्सुअल, ठीक है ना, मतलब ये मेटाजेनेसिस शो नहीं करेंगे। तो एग्जांपल क्या है, मेट्रीडियम हो गया, पेनाटुला हो गया, दीज आर द एग्जांपल। तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन, छोटा सा क्लासिफिकेशन है खाली, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिफ और मेड्यूसा फॉर्म इन देयर लाइफ टाइम, ओके। और ये थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम। तो इसके साथ ही हमने क्या क्या, जो अपना फाइलम था सिलेंट्रेटा, वो हमने खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके नेक्स्ट वाले फाइलम को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से ज़रूर पूछेगा, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।